Subscribe my channel Ambi News Presenting and press the bell icon to never miss a video from our channel. ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होते ही सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने अंबेजी न्यूज प्रेजेंटिंग चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पावरफुल नेता मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए चलते हैं खबर की तरफ और देखते हैं सचिन पायलट का बड़ा बयान। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 18 साल पुराने राजनेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने मंगलवार को पार्टी छोड़ने का इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद उन्होंने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके भाजपा में जाने को लेकर राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें पहली बार सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सिंधिया के भाजपा में जाने के फैसले से ज्यादातर लोग कांग्रेसी नेता नाराज दिख रहे हैं। कांग्रेसी उनके ऊपर धोखाधड़ी देने का आरोप लगा रहे हैं, हालांकि बाद में उनको कई लोगों ने बधाई दी है तो कई लोग गुस्सा जता रहे हैं। जहां दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को भाजपा जाने की बधाई दी, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने नाराजगी जताते हुए उन्हें अवसरवादी बताया है। सिंधिया के पार्टी से इस्तीफा के बाद राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बड़ा बयान देते हुए लिखा है कि सचिन पायलट ने कहा है, कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि काश वो पार्टी में रहकर विवादों को सुलझा लिए होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सचिन पायलट का यह बयान कैसा है, और क्या सचिन पायलट को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।